शम्मी अमन हाँ की हालत बनाई अपनी मेरी शर्ट कितने चली सवेरे में मिली हाय ना जुत्ती पाई ना दोष कितने आए तुम्हीं की हालत बनाई अपनी ओ कमीज दा मेरी मम्मी कमीज ले आ जा साहिर मिला चप्पल कितने है कब हैं चप्पल कितने हैं दोनों का ना कमीज ले आ जा कितने आए थे आयो क्या पापी मिला बोलन दे मेनु लगता सारी ए कुछ खा के आए है अपने कमरे चो बार चल दादू चौधरी हो गया अमन तेनू की हो गया की है कमीज की करती यार हिम्मत कि मेरा थी पै गया चल निकल मेरे कमरे चो हलो बाहर निकल राम वीरे की करते शर्ट बड़ा मेरी दे दे अंत ला इन दे कमीज गलो ला इन फड़े नु फटे के ना किते पवे ये समान ही किथे गया है नहीं का समान काले का समान समान दे मेरा अग लगी समान दी मैं अमन बथेरा पड़ता रखने की कोशिश की शर्म चाहती बंदे ने मासा भरा ना दो वादू समान है वादू समान मेरे को शर्म तो ला के खाई तेरे बना ले खाई ना बाप मेरा पुत्र कर दो अमन आए जा मेरे बाबा हुन मैं तेनु गड्डी देती हूं ठीक है जी मेरा सारा बैलेंस क्लियर हो गया जी गड्डी ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
नहीं नहीं शमी, यह ना कह मैं तेना धोखा किया। शमी मैनू तो यह सी जो मैं विआह कर दांगी शायद वह सुधर जाएगा। मैं सारे कहते कि विआह कर दे, वेखी इन्हें नशा छड़ देना है, पर इन्हें छड़िया नहीं सगो होर वध गया। जिस दिन का इहदी कमीज़ चों नशा फड़िया उस दिन का तो होर ही ज्यादा वध गया। मैं तो आप बड़ी शर्मिंदा तेरे अगे, ते मैं की करा। मम्मी नशा भी कदी किसी ने छड़िया है? एक बारी लग जे सही, जो तुहानू पता ही तो ही क्यों तबाह कीती मेरी जिंदगी। मम्मी की होया साहब? वेलो वीरे ने की कीता जे की अपनी गड्डी वेच छड्डी जे। हैं? कोई बाहर आया ही कहंदा टाडे वीरे ने गड्डी वेचती है। इत्थों तक नौ बता गई हुण? ओ तां तेरे प्यो दी निशानी सी, ओ वी वेचती इहने। हे मुंडा हुण घर दे समान वी वेचण लग पिया। इन्हें तो नशा सवार हो गया। चल चुप कर शमी। मम्मी की चुप करा, दसो तो सही मैनू, मेरी तो सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं इत्थे रह के की करा। नहीं नहीं शमी, छड़ के ना जावी वेख ला, मैनू तेरा आसरा ही वेख ला, छड़ के ना जावी शमी, यह कान ना कह तू। छोटा हो कि सियाना वा, कोई तो शर्म आनी चाहिए इनू। वेख लो अपने मुंडे दे काम, कोई भुलेखा ना रह जाए तुहानू किसी गल दा। ਵਿਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੂੰ? ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ? ਜਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। बंदे तो बगैर जनानी दी की जिंदगी हुंदी है मम्मी, तू ही दस दो मैनू। शमी देख ला, रुक जा, ना जा, मेरे करके रुक जा, तेरे मैं पैरी पै जानी है। कल नू मेरे बच्चे होए ते ओ की कर की सोचणगे अपने प्यो वाल देख के, की आ साडा प्यो वा एक निशाई। मम्मी प्लीज मेरी जिंदगी ना बर्बाद करो, मेनू जान दो इतो। उस मालिक ते विश्वास रख, ठीक हो जाएगा। ना चाह छड़ के सानू तीए, ना चाह, मैं तेरी बहुत वड्डी गुनाहगार आ, ना ही अपने मां प्यो ना गल करी, गल ना करी अपने मां प्यो ना, गल ना करी। मैं तो तेनू यही नहीं दसिया, जिहड़ा तू उधर समान फड़िया सी उधर सारे समान वेच के लैके आया। मैं तो कहा सी सुधर जाएगा, पर मैनू की पता सी ए दिनों दिन फटी जान डिया। मैं तेरी गुनाहगार ने पुत, माफ कर दे। मम्मी एदा कोई हल सोचिए, नहीं तो साडा सारा परिवार ही रोल जूगा। मम्मी एक मौका दे दे, कोई ना कोई एदा भी हल लभ दे।
एक मौका दे दे मेरी धीए। ठीक है मम्मी, तनु मैं एक मौका दिनी, ते अमन भी एक मौका दिनी, जी वो नशा छड़ दूगा ते ठीक है, नहीं ते मम्मी मेरे को नहीं जे रिहा जाना इत्थे। एक मौका दे दे, दो दिन हो गए बंदे नु सुते नु, कोई पता नहीं दिन किथे है ते रात किथे है। दुखी हो गई है मैं, कपड़े वे के उथल पुथल किते, जो होश आंदी है अलमारी फोलन लग पी, अलमारियां पता नहीं की रखिया, सारा कुछ जंतरा वेच वाट दिता, की रह गया वेचन वाला, रब्बा की जिंदगी लिखी तू मेरे, जे मैं पेकिया दसूंगी उन्होंने बेचारे ने टेंशन च पै जाना। दिल तो नहीं करता इस बंदे कमाने, पर जो बुढ़ी मां वाल वेनी है ना बेचारी तरले लेंदी है, ओदा कदा कसूर, ओदे ते फिर तरस आ जाता। अमन चाह लिया ना तुम पीनी जे, उठो ता की लम्बे पे रेंदे जे, कुछ पता है दिन केड़ा तो वार केड़ा, केड़े पैसे लिया, पैसे की कमी है, सारा कुछ बेच वट दिता, अपन नहीं पैसे है, मैं गया ना नहीं पैसे है, खत्म हो गए पैसे सारे, चूड़ी दे दे, चूड़ी दे दे, दिमाग खराब है, चूड़ी दे दे, तेरी चूड़ी मिलो, दिमाग ही तेरा खराब हो गया, मम्मी आई ले अलमारी फिर फोलन डे, दो तीन हरी फोली है, मेरी चूड़ी लाने पै गए, तू इन्हें लका ला, हाँ तू नहीं है गल दी, इन्हें तो बिलकुल शर्म ला ली है, चल चुप कर तू लगा ला चूड़ी, पेके कहते जे पेके ना जा, लगा ला इनू, कदी इन्हां ने हाथ नहीं चुकिया मेरे ते, हां दे चूड़ी दे, अमन की करन दिया, की करन दिया, ओ वाह यार, नहीं अब गन नहीं, अमन पैर नहीं वाल गया, ते माफ करा मैं इहदा दा, मैं काही ए सारी ला नहीं, अमन ए की करन दिया तू, अग लग जा नशे जड़े वे साहिल जल्दी आ, मेनू कुछ हो जाना जे मेनू दे दो, मेनू नशा दे दो, हालत नहीं वेखी जाती, मैं वीरे ने नशा लाके दिना वा, मैं जाना वा, की क्या नशा लिया के देना, मम्मी वीरे ने कुछ होया ना, कुछ नहीं होता, तू नहीं नशा लै चल अग
ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ। ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਮੀ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ। ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਸਾਹਿਲ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ? ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਕੋ ਦਾ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਕੋ ਭਰਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।